इस इमेज में ये दो मोबाइल फोन्स के माइक्रो एसडी कार्ड्स है राइट, और दोनों ही डिफरेंट टाइम पीरियड में बना है। लेकिन गौर से नोटिस करने पर आपको दिखाई देगा दोनों कार्ड्स का मेमोरी पावर 10 साल में 128 MB से सीधा 128 GB तक एक्सपेंड हुआ है, लेकिन मेमोरी कार्ड के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था इस बात का कि साइंस इतने कम समय में कितनी तेजी से डेवलप्ड हो रहा है। एक तरफ इंसानी सभ्यता बहुत ही तेजी से एडवांस्ड सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये पूरा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। जो चीज पास्ट में था वो आज एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुका है, और जो आज है हो सकता है फ्यूचर में वो भी ना रहे। तो आज के साइंटिस्ट कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में प्रिडिक्ट कर चुके हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आज से 500 साल बाद इंडिया जैसी एशियन कंट्री और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ज्यादातर पोर्शंस का एवरेज टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस जितना पहुंच जाएगा। आज से 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने से बहुत सारे लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से आज के टाइम पे धरती पर जो हजारों की संख्या में लैंग्वेजेस है वो आने वाले समय में सिर्फ 100 के आसपास रह जाएंगे। उस टाइम पे इंसान नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर लेगा कि हम इंसानों का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। वैसे भी हम मेडिकल फील्ड्स में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 19 के दशक के समय में इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 38 साल थी, मतलब 38 से 40 साल के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन यही औसत आयु 21st सेंचुरी में 38 से बढ़कर 80 हो गई है। तो इससे ये साबित होता है कि भविष्य में इंसान और भी ज्यादा दिन जिएगा। तो इसी वजह से उस टाइम पे धरती की पॉपुलेशन 11 बिलियन के आसपास होगा। आज से 2000 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज होगा। नॉर्थ और साउथ पोल पे मौजूद आइस शीट्स पिघल जाएगा, और यही बर्फ मेल्ट होने के कारण समुद्र का पानी का स्तर 6 मीटर ज्यादा बढ़ेगा, और इन दोनों पोल्स की तरह ग्रीनलैंड का आइस भी पिघलना शुरू करेगा। और इसी बीच जर्मनी में मौजूद जीट पिरामिड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा 3183 में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 31st December 1999 में इंसान आखिरी बार के लिए 4-डिजिट डेसिमल कैलेंडर को इस्तेमाल कर पाएगा, और आज तक जितनी भी सॉफ्टवेयर्स इस 4-डिजिट डेसिमल कैलेंडर को एनकोड कर रहे थे वो इस टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 999 के बाद पहली बार एक साल 5 डिजिट में काउंट होगा। इसको ईयर 10,000 प्रॉब्लम भी कहा जाता है। आज से 20,000 साल बाद चेर्नोबिल एक्सप्लोजन वाला रीजन फाइनली खतरनाक रेडिएशन से मुक्त होगा, जहां पर अतीत में न्यूक्लियर प्लांट्स में एक्सप्लोजन हुआ था और रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत हुई थी। आज से 50,000 साल बाद नाइग्रा फॉल्स का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा, और इसी समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड पे मौजूद रिमेनिंग आइस शीट्स पूरी तरह से पिघल जाएगा, और आज से 1,00,000 साल बाद लैपटॉप्स पे मौजूद टाइटेनियम प्लेट्स पिघलना शुरू करेगा। इसी दौरान धरती पर होगा सुपर वोल्केनिक इरप्शन, जो मामूली वोल्केनिक विस्फोट से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसी समय धरती के साथ बहुत बड़े एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड का टक्कर हो सकता है, जिसका बहुत गहरा असर धरती के ऊपर पड़ेगा। क्या आपको पता है कि प्लैनेट्स की तरह सूरज भी किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, और वो है मिल्की वे का सेंटर। तो टेक्निकली अर्थ की तरह ब्रह्मांड के सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी किसी चीज के अराउंड घूमता है। तो इसी मूवमेंट के कारण आसमान में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स आज के समय के मुकाबले उस टाइम काफी अलग दिखाई देगा। आज से 5,00,000 साल बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो बचा हुआ वेस्ट है वो फाइनली इंसानों के हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं रहेगा, और इसी समय धरती पर फिर से एक बार पोंगोला ग्लेशिएशन जैसी आइस एज की शुरुआत होगी। आज से 10,00,000 साल बाद जितने भी ग्लास मटेरियल्स अब तक बना था वो टूटकर खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे सिर्फ गीजा का पिरामिड या माउंट रशमोर जैसी स्कल्पचर का वजूद होगा, और इसके अलावा जितने भी इमारतें या कंस्ट्रक्शन ग्लास मटेरियल से बना है वो खत्म हो जाएगा। कुछ रिसर्चर्स ने हाइपोथेसाइज किया था आज से 50,00,000 साल बाद इंसान के शरीर में मौजूद वाई क्रोमोसोम, जो कि सिर्फ मेल्स या पुरुष के शरीर में होता है, वो नष्ट हो जाएगा। तो अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया तो धरती से मेल्स पूरी तरह से मिट जाएगा। आज से 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका और यूरेशिया कॉन्टिनेंट के बीच में कोलिशन, यानी दोनों कॉन्टिनेंट में जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में मौजूद भूमध्य सागर हमेशा के लिए जमीन के नीचे दब जाएगा, और इन दोनों कॉन्टिनेंट के आपस में मिलने से हिमालय की तरह एक और माउंटेन रेंज या पर्वत की उत्पत्ति होगी। एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ पिघलकर पिघला हुआ पानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जिसके कारण समुद्र के पानी का लेवल 75 मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है इतने समय में इंसान स्पेस कॉलोनाइजेशन कर पाने में सक्षम होगा।
यानी दूसरे ग्रह में जाकर इंसानी बस्तियां बसाना, जिसे स्पेस कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। आज से 25 करोड़ साल बाद हर एक कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण एक दूसरे से मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। आज से 80 करोड़ साल बाद धरती पर मौजूद पेड़ पौधे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होने के कारण C4 फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण अर्थ पे मौजूद सारे मल्टीसेलुलर जीव पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। आज से 200 करोड़ साल बाद धरती का कोर पूरी तरह से ठंडा होकर जम जाएगा और अर्थ घूमना बंद कर देगा। और अगर धरती घूमना बंद कर देता है तो धरती के सराउंडेड जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स है वो खत्म हो जाएंगे, और यही मैग्नेटिक फील्ड्स हमें सूरज के जानलेवा रेडिएशन से बचाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ना होने से धरती का सरफेस टेम्परेचर 147 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, और इसी टेम्परेचर में टार्डिग्रेड जैसे जीव को छोड़ के बाकी सब खत्म हो जाएगा। आज से 700 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा कर मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी बन जाएगा। तब आसमान कुछ इस तरह दिखाई देगा, और इसी समय सूरज अपने एक्सपेंशन स्टेट के चरम सीमा पे पहुंचेगा, और उस टाइम सूरज का रेडियस आज के मुकाबले 256 गुना ज्यादा बड़ा होगा, और इसी एक्सपेंशन के चपेट में आकर मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सूरज के कोर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने के कारण सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। आज से 2000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स में मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, और इस समय ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चली जाएगी, और इसके आने वाले समय में ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। हाइड्रोजन वो फ्यूल है जिससे स्टार जिंदा रहता है, तो यही हाइड्रोजन खत्म होने के कारण ब्रह्मांड के सारे सितारे नष्ट हो जाएंगे, और ब्रह्मांड में इस समय सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार रहेंगे, और पूरे यूनिवर्स में सन्नाटा छा जाएगा। और इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।